हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। ट्रू मैन की सीरीज में आज हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड की, टीचिंग एप्टीट्यूड। उस बुक से हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो आप वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। रिसर्च एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बारे में बात करेंगे रिसर्च की। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो रिसर्च जी, रिसर्च एक सिस्टमेटिक, पर्पसिव और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होता है। अगर हम यूजुअली बात करें तो री मतलब दोबारा से, मतलब अगेन, और सर्च करना किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। जो रिसर्च किया हमने उससे रिलेटेड जब हम रिपोर्ट निकालेंगे तो वो प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब मल्टीपल इंटरप्रिटेशन को एनकरेज नहीं किया जाता, बट स्टिल ओके। रिसर्च जो है वो टेस्टेबल हो, मेजरेबल हो, जिसका आप मेजर कर सकें, टेस्ट कर सकें, वेरीफाई कर सकें, एनालिटिकल और क्रिटिकल हो, ताकि डेप्थ स्टडी जो है उस पर्टिकुलर आइडिया की हो सके। पेशेंट और अनहरिड एक्टिविटी होनी चाहिए कि आप पेशेंटली काम करें और कोई जल्दबाजी ना करें। तभी तो 3 से 5 साल मिलते हैं ना PhD कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? तो हरी में जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए चीजें। रिसर्च जो है वो एक क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम डिमांड करता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसमें मैं काम करना चाह रही हूं। जैसे मान लो मैं जो है क्रिएटिविटी चेक करना चाहूं हरियाणा में, पर्टिकुलरली सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल्स में गर्ल्स एंड बॉयज की, तो मैंने काफी स्पेसिफिकेशन दे दी, क्लियर स्टेटमेंट दे दी। तो कोई भी रिसर्च जब होती है तो एक स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो। वो होता है ना 3 Idiots में बोलते कहना क्या चाहते हो, तो वो कहना जो आप चाह रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रिसर्च सीक्स डायरेक्शन थ्रू अप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस। हमें पता ही है ये कि पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, सोचते हैं कोई आइडिया, और उसके बाद जो है हम उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिसर्च करना शुरू करते हैं। तो रिसर्च डील्स विद द मेन प्रॉब्लम्स थ्रू सब प्रॉब्लम्स। तो एक मेन प्रॉब्लम होगी, उसके बाद छोटी छोटी और सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें हमें देखने को मिलेंगी। To gain familiarity with the phenomena, कि आप कोई नए phenomena को देखना चाह रहे हैं, नई चीज़ें जानना चाह रहे हैं, तो उसको हम exploratory या formulative research study बोल देते हैं। To portray accurately the characteristics, मतलब जो चीज़ें हैं उस situation की जैसी हैं, आप उनको वैसे portray करना चाह रहे हैं, तो वो descriptive research हो गया, क्योंकि आप चीज़ों को describe कर रहे हैं। ओके, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स और विद विच इट इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। तो किस तरीके से चीजें हो रही हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे हो रही हैं, और वो कैसे बाकी चीजों से एसोसिएटेड हैं, लिंक हैं, तो वो क्या होगा, डायग्नोस्टिक रिसर्च, क्योंकि हम उसमें पता लगाना चाह रहे हैं चीजों का। टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जब हम वेरिएबल्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहें, तो उसके लिए हम हाइपोथेसिस जो बनाई है उसको टेस्ट करेंगे डेफिनेटली। तो वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी भी उसको बोल सकते हैं। So, ये पर्टिकुलर एम है जी, हम किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में जब जानना चाह रहे होते हैं, फेमिलियर होना चाह रहे होते हैं, हम उसके बारे में कोई और इन डेप्थ स्टडी करना चाह रहे होते हैं, तो तब हम रिसर्च को प्रेफर करते हैं। ओके, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में ये वर्ड्स जो हैं वो आपको दिख जाएंगे आराम से, बट इनको एक्सप्लेन जो है वो नहीं किया गया है बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट इस बुक में पर्टिकुलरली। बट मैंने आपको जो 90 वो क्लासेस करवाई थी ना फर्स्ट, उसके लिए पेपर के लिए 94-95 क्लासेस, या फिर पर्टिकुलरली जो मैराथन कराई थी उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बता दी थी। स्टिल इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट मैं बता देती हूँ, ऑब्जेक्टिविटी की जब बात आती है तो बायस्डनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब अनबायस्ड हो चीजें। और बायसनेस बहुत तरीके की हो सकती है, पर्सनल बायसनेस हो सकती है, या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अलग अलग तरीके की, कि मेरा पर्सनल कुछ थॉट प्रोसेस है और मैं वही थोपने की कोशिश करूं अपने रिसर्च में, उसको मोल्ड करने की कोशिश करूं, सो वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी। तो रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक पर्टिकुलर जो है उसकी बायसनेस फ्री वो होना चाहिए, जिसपे आप विश्वास कर सके, रिलायबल हो, जो विश्वसनीय हो, वैलिड हो, ऐसा ना हो कि उसकी वैलिडिटी नहीं, जैसे कई बार तो हमारे फोन में भी तो वैलिडिटी डलती है ना, वैलिडिटी पैक, सो वो वैलिडिटी भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, जनरलाइज आप उसको कर पाए, ठीक है? जैसे कई बार हम बोल देते हैं जैसे क्रेडिबल है या नहीं, कि आप उसके ऊपर मतलब सही है या नहीं उस पर भरोसा किया जा सकता है, वो वैलिड है, एक्यूरेट है, तब हम बोलते हैं कि क्रेडिबल है या नहीं। जनरलाइज आप उसको कर सकते हैं या नहीं, कि आपने मान लो एक सैंपल 500 लोगों के सैंपल पे आपने डाटा इकट्ठा किया और उसके बेसिस पे आपने कोई चीज जनरलाइज कर दी पूरे देश के लिए, ठीक है? तो क्या वो जनरलाइजेबल है, मतलब हमने इकट्ठा
बैठा, तो 500 लोग कैसे पूरे देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? तो वो जनरलाइज आप उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एम्पिरिकल रिसर्च होनी चाहिए। यूजुअली एम्पिरिकल का वर्ड हम डाटा ही लेके चलते हैं जब रिसर्च की बात आती है, कि स्टैटिस्टिक्स के साथ हम चीजों को प्रेजेंट करें। सिस्टमैटिक होना चाहिए एक पर्टिकुलर वे में, पूरे प्रोसीजर के साथ, जो कि होता है जब हम स्टेप्स ऑफ प्रोसेस, इसकी स्टेप्स ऑफ रिसर्च की बात करेंगे ना, उस टाइम पे हम देखते हैं कि पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, पर एक सिस्टमैटिक तरीका होता है रिसर्च करने का, ठीक है? साइक्लिकल हो कि लास्ट में अगर उस चीज का सोल्यूशन ना निकले तो आप बैक टू फर्स्ट हाइपोथेसिस वाले स्टेप पे जाएं और चीजों को वापस से कैरी ऑन कर पाएं। कंट्रोल्ड फैक्टर्स जो है वो हमें ध्यान रखने होते हैं। लॉजिकल हो रिसर्च, साइंटिफिक टेम्परामेंट उसमें नजर आए, और रेप्लीकेबल हो। रेप्लीकेबल मतलब आप उसको रेप्लीकेट कर सके, रेप्लीकेट मतलब कॉपी करना होता है ना। सो अगर मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट ए किया है, तो वो एक्सपेरिमेंट आपने लिख के पब्लिश कर दिया, अब मैं उसी एक्सपेरिमेंट को अगर करके देखूं उन्हीं कंडीशन में जो आपने बताई हैं, तो वो सेम रिजल्ट आने चाहिए जो आपने बताई हैं, ओके? सो वो क्या हुआ कि मैंने आपके जो एक्सपेरिमेंट था उसको रेप्लिकेट कर लिया। सो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक है जी रिसर्च की, जो आपको पता होनी चाहिए। स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इनकी ज्यादा बात की जाती है, तो ये तो एटलीस्ट पता हो कि जब कैरेक्टरिस्टिक की बात आए सो इनका मतलब क्या होता है, ओके? सो ये था रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटी मोटी चीजें जो इस बुक में मेंशन कर रखी हैं। ऑल्दो रिसर्च की अगर स्पेसिफिकली बात करें, रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है रिसर्च एप्टीट्यूड की, जिसमें 6 के अराउंड क्लासेस हैं, टॉपिक वाइज जैसे आपके सिलेबस में मेंशन है, इन डेप्थ चीजें मैंने करवा रखी हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं एक बार। वो मतलब मैंने मोर देन डिटेल में करा रखा है, उससे बाहर नहीं आ सकता रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।